आज हम आपको चिकन शवारमे की रेसिपी दे रहे हैं। तो चिकन शवारमा बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए आपको 1/2 kg चिकन बोनलेस, इसमें हड्डी नहीं है बिल्कुल। उसके बाद आपको चाहिए 1 tablespoon लहसुन और अदरक का पेस्ट, या अगर आपके पास पाउडर है तो आप पाउडर ले लीजिए, मैं पेस्ट डाल रही हूँ। नेक्स्ट आपको चाहिए 1/2 teaspoon हल्दी आपको चाहिए होगी, तकरीबन 1/2 teaspoon हल्दी। उसके बाद आपको चाहिए होगी रेड चिली आपने डाली है तकरीबन 1 teaspoon। इसके बाद आपको चाहिए होगा गरम मसाला और प्लस जीरा, मैंने दोनों को तैयार करके रखा हुआ है। आपने ये डालना है गरम मसाला और जीरा तकरीबन 1/2 teaspoon। उसके बाद आपने डालना है कुचल धनिया, ये आपने 1/2 tablespoon डालना है या 1 teaspoon में डालना है। उसके बाद आपने डालना है नमक आप टेस्ट के मुताबिक डालना है, मैं 1/2, तो नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। मैं आप डाल रही हूँ 1/2 teaspoon, क्योंकि नमक हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद आपको चाहिए होगा सोया सॉस आपने डालना है 1.5 tablespoon। नेक्स्ट आपको चाहिए होगा चिली सॉस, वो भी आपने 1.5 tablespoon इसमें ऐड करना है। के बाद आपको मैरिनेशन अच्छी करने के लिए चीज़ चाहिए है, वो है सिरका। सिरका आप इसमें 2 tablespoon ऐड कर दें। चीज़ें डाल लेने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करें। ये देखें, मैंने चिकन के स्लाइसेस बनवाए थे ऐसे, ये स्लाइसेस हैं चिकन के। इसमें चिकन, तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे चिकन की मैरिनेशन का टाइम पूरा हो गया है। इसके बाद हम इसको तवे पे डालेंगे, हल्का सा घी तवे को लगा लेंगे और ये जो चिकन के स्लाइसेस जो मसाले लगे हुए हैं ये सारे एक एक करके इस पर डालते जाएंगे। आप ये देखें कि कलर कितना खूबसूरत इसका आया है। इसको बिल्कुल नॉर्मल आग के ऊपर आपने इसको पकने रख लेना है। बिल्कुल वही कलर है जैसे शवारमे वालों के आप दुकानों पे देखते हैं। इसको हम पलट लेंगे और दूसरी साइड से होने देंगे। तो हम इसको अच्छे से गला लेंगे। इसके बाद हम घी ले लेंगे, उसे थोड़ा सा हल्का सा घी तवे को लगा के पीटा ब्रेड को अच्छे से सेक लेंगे। चिकन हमारा रेडी हो गया है। इसके बाद हमने बस ये पीटा ब्रेड सेकनी है और ये देखें कितना अच्छा कलर आया सेकने के बाद पीटा ब्रेड का। ऐसे आप दबा दबा के इसको अच्छे से सेक लें दोनों साइडों से। इसका कलर हमने चेंज कर लेना है। ये हमारा चिकन है जो हमने रेडी किया था, हमने इसको थोड़ा सा मैश कर लिया था। इसके बाद ये हमने हमारी पीटा ब्रेड है जो हमने तवे पे अच्छे से सेक ली थी। अब हम सबसे पहले इसको लगाएंगे व्हाइट सॉस।
उसके बाद हम इसको लगाएंगे थोड़ा सा चिली सॉस, उसके बाद हम इसमें चिकन डालेंगे। चिकन आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा डालना है ज़्यादा पसंद करते हैं ज़्यादा डाल लें, कम पसंद करते हैं कम डाल लें, ये आपकी मर्जी पे है। उसके बाद हमने ये सिरके में गाजरें, हरी मिर्च, खीरा और शिमला मिर्च डिप करके रखी हुई है, ये हम सिरके वाला चार इसमें डाल लेंगे। और ये बंद गोभी और प्याज है, ये भी इसमें अच्छे से जितना आप खाते हो उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा व्हाइट सॉस दोबारा से मैं इसमें डालूंगी। और ये हमारे पास है ग्रीन सॉस, थोड़ा सा हम इसमें ग्रीन सॉस भी डालेंगे। अभी हमारा शवारमा रेडी है, इसका आपने ऐसे रोल बना लेना है।